अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको डेटा वैलिडेशन की कमांड के बारे में बताऊंगा कि डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है और हमें ये क्या फ़ायदा दे सकता है। अगर आप अपना काम किसी से करवाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है उसमें कोई गलती ना हो, उसके नंबरिंग में डिजिट्स उसके पूरे हों और कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक डिजिट ज़्यादा या एक डिजिट कम वो जो है एंटर करके आपके पास डाटा भिजवा दे, तो हम उसको अपने फाइल को ऐसे तरतीब दे सकते हैं कि जैसे कि वो अगर फर्ज करें 80 NIC 13 डिजिट का नंबर है, अगर वो 14 डिजिट टाइप करे तो वो उसको फौरन एरर दे दे, या मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का अगर वो नंबर टाइप करे तो फौरन उसके ऊपर वो एरर दे दे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन की कमांड। अब ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास डेटा वैलिडेशन की जो कमांड है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसकी सेटिंग में जाऊँगा। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है अलाउ का, इसमें मैं कस्टम पे क्लिक करूँगा और इसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूंगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू LEN। अब यहाँ पे वो सेल है जहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि CNIC है इसके ऊपर C2 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा C2। और इसके कितने हिस्से होने चाहिए, 13। और इसके बाद हम आएंगे इनपुट मैसेज पे, टाइटल में हम लिख देंगे मैसेज। मैसेज क्या है, इंसर्ट 13 डिजिट CNIC नंबर विद आउट डैशेस दैट इज, यहाँ पे आप एग्जांपल लिखते हैं। ये 13 डिजिट्स आप लिख दें इस पे, और उसके बाद एरर अलर्ट में आप लिख दें वार्निंग, और एरर मैसेज में फिर वही आप टाइप कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 13 की बजाय एक हिस्सा डिलीट कर दूँ तो ये फौरन इसके ऊपर एरर दे देगा, और इस तरह मैं इसको करूँगा रिट्राई और वो एक हिस्सा पूरा करूँगा तो ये 13 डिजिट्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह आप इसका, मैं सेकंड शिफ्ट में दिखाता हूँ कि मैंने इसको मोबाइल के ऊपर भी अप्लाई किया और इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि आप इसी तरह IBN नंबर के 26 डिजिट्स को, 24 डिजिट्स को के लिए आप इसी तरह ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह ये होगा कि आपके पास जब फाइल वापस आएगी तो आपके पास डिजिट्स वाइज कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो आप अपने डेटे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिटर्न करवा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिए, और अगर इसमें कोई गलती या कोई इसमें आप प्रपोजल देना चाहें तो कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।